What is this? This आपको clear up करना पड़ेगा. यार मैं घर बैठ बैठ के बोर हो रहा था. जाता हूँ ऐसे ब्लू एरियल साइड पे apply कर दूँ क्योंकि बहुत बुरी है दौरी है. कुछ चिल मारते हैं. Job ढूंढते हैं आज. बारिश आ रही है और मैंने ये पता नहीं अब क्या किया. मुझे नहीं पता. यार मैंने कल निकला था. मुझे बारिश शुरू होने लग पड़ी थी रास्ते में. तो उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा. तो अभी मैं जा रहा हूँ. फ्रेम नहीं पूरा आ रहा. तो अभी मैं जा रहा हूँ जॉब से रिजेक्ट होने के लिए. इन द एंड गोल यह कि मैं 5-6 कंपनी से रिजेक्ट हो जाता. वो कहेंगे वी डोंट नीड या यू कैन गो. ताकि मैं हिस्ट्री में आगे बता सकूँ कि आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम 5-6 जॉब से. आपका भाई निकला हुआ है थोड़ा सा यू नो. यार मैं पहुंच तो गया हूँ इधर. जैसे जैसे मैं करीब आता गया था मेरे दिल की धड़कने बढ़ने लग पड़ी थी. ये है एक ज़मीन है. एजेंसी 21 गराना स्क्वायर 9. इनमें से अब कौन से पे जाऊँ. दिल के मामला तेज आ रहे हैं. अक्कड़ बक्कड़ बा मैं बोल 80-90 पूरा 100. एजेंसी 21 आप कबीर है. आप देखते हैं क्या होता है. वी विल सी. यार मैं गया हूँ. हुआ मामला ये हुआ कि सबसे पहले जब मैं एंटर हुआ तो मुझे पता चला है लेट हिम पास. जो पहली इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है वो ये हुआ था कि जब आप ऐसी इंटरव्यू उठा के जब इंटरव्यू देने आते हो उसे कहते हैं वॉकिंग इंटरव्यू. उन्होंने कहा हम वॉकिंग इंटरव्यूज़ नहीं करते. हमारी अगर आप CV ड्रॉप कर लें अगर रिक्वायर्ड हुई हमारी कंपनी को वी विल स्केड्यूल योर इंटरव्यू. मैंने कहा सही है. अब मुझे कह रहे हैं एक और वाला ने उन्होंने भी कहा था वी डू स्केड्यूल इंटरव्यू. मैंने कहा सही है कोई चक्कर ही नहीं है. थोड़ा सा जब मुझे पहले में करना पड़ा था ना CV ड्रॉप करनी पड़ी. थोड़ा सा भाई का कॉन्फिडेंस लेवल शेक किया कि यार क्या होगा ये. लेकिन नहीं हमने कहा कर लेंगे. फिर ऊपर गया zameen.com वाले का. उन्होंने कहा सही है आप आ जाएँ. उन्होंने मार्केटिंग का होने चाहिए. मैंने कहा सही मार्केटिंग में दे देंगे इंटरव्यू भी देना है. मार्केटिंग में गया तो उन्होंने कहा आपकी CV से लग रहा है कि आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो वीडियोग्राफी और इस तरह का. मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े आप. CV ड्रॉप करें. वी विल कॉन्टेक्ट यू लेटर. मैं अच्छा तो आज मैं गया था. कुछ ने वॉकिंग इंटरव्यूज एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उसका नहीं हो सका. और कुछ ने कहा दिया कि आपका इंटरव्यू उन्होंने स्केड्यूल कर दिया. चार उसके बाद मैं एट में मैंने कहा था मैंने अपना आइडिया पिच किया. मैंने कहा आपकी डिजिटल मार्केटिंग में संभालता हूँ. मैंने कहा जो पहली वीडियो होगी वो प्रोबेशन वाली वो मैं आपको फ्री में बना के दूँगा. उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि यू शुड वर्क विद मी और नॉट. आप तकरीबन मैं इस सारे एक्सपीरियंस के बाद अब मैं कुछ दिन के लिए कार में सुकून से बैठ सकता हूँ. अच्छा एक और बात यह कि जो मेरी ये वीडियोज़ हैं और अभी जो भी अपलोड कर रहा हूँ ये मैंने किसी को भी नहीं बताई कि मैं अपलोड कर रहा हूँ. मैंने अब इवन के घर वालों को नहीं पता. मैंने बिल्कुल कोई किसी दोस्त को भी नहीं बताया हुआ. क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो मैं शुरू शुरू में जो बनाना चाहता हूँ वो सोलली अपने लिए बनाना चाहता हूँ. एक और बात मैं क्या नाइकी वालों के पास नाइकी ब्रांड वालों के पास मैंने कहा आई हैव आइडियाज़ मैं आपको ऐड बना के दूंगा. तो बात वही है प्रोजेक्ट है आगे देखेंगे क्या होता है. बस आज हमारा एक शूट है 8 में. फिर देखते हैं क्या होता है. आउट ऑफ फोकस इज वेरी फिनोमिनल. नो 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 आउट ऑफ फोकस. इट्स गुड.